Linux eHub. Today I am going to show you start working in Linux. This is the part 1 video of mastering Linux. Okay, let's start and hope I have uploaded all previous videos in my channel. Those are uh, regarding Linux basic commands and Linux fundamental. I hope you all people uh, already seen those videos. If not seen, please go to my playlist. I will provide the links in the description section also. And I will also provide the uh, links, uh, video links in my i bottom. Please go to that uh, playlist and so watch the all those videos. So you will be convenient up with all the commands. So that today's lesson will be very easy for you. Okay, let's start today's session and uh, let's go to my computer screen. If you are uh, new to my channel. Please subscribe my channel and uh, press the bell icon so that you will be get uh, notified when I will upload interested videos in this channel mm -hmm. so it will be very helpful to you and uh, don't skip the video when you are uh, watching this video because if you will skip means you, you may uh, lose some important information and you may skip some important commands also so please uh, continuously uh, watch this video okay.

वीडियोज अपलोडेड है वो लिनक्स की बेसिक कमांड्स एंड लिनक्स का फंडामेंटल इसके बारे में भी ऑलरेडी अपलोडेड है एक बार चैनल पे जाइए वो जाइएज वो को भी एक बार देख लीजिए ओके टुडे माय फर्स्ट पॉइंट इज शट डाउन एंड रजिस्टर दी एम दैट शट डाउन एंड रजिस्टार द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम टू शट डाउन द लिनक्सएम यूज आई एन आई टी जीरो दिस इज द कमांड टू शट डाउन द दू and if you will replace the 0 with 6 then it will reboot the operating system okay alternatively we can also use the server reboot using the reboot command and we can also use shutdown as a command to shutdown the machine okay hope you can, uh, hope you have understood this command next go to the second point this is चेकिंग ओएस भर्सन जैसे विंडोज में हम ओएस का वर्सन चेक करते हैं माइक्रो कंप्यूटर प्रॉपर्टीज पे जाके हम विंडोज का वर्सन चेक करते हैं कौन सा सर्वर का वर्सन इंस्टॉल हुआ है कौन सा क्लाइंट का वर्सन इंस्टॉल हुआ है ऐसे हम लिनक्स में भी लिनक्स उसका जो ओएस का वर्सन है उसको चेक कर सकते हैं उसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ओएस रिलीज जो फाइल है उसको हम देखेंगे उसका भर्सन का क्या है अभी कौन सा भर्सन इंस्टॉल हुआ है चलिए देखते हैं देखने के लिए हम जो यूज कमांड यूज करेंगे वो कमांड है कैट ये फाइल कहाँ पे लोकेटेड है स्लैश ई टी सी स्लास ओ एस हाई रिलीज मैं आपको ऑलरेडी पहले बोल चुका हूँ आप जो कमांड लिखने के लिए जाएंगे उसके साथ साथ आप टैब यूज कीजिए पूरा का पूरा फाइल जो है पूरा का जो कमांड है उसको टाइप मत कीजिए सो दैट आपका क्या दो बेनिफिट होगा आपको पूरा कमांड लिखना मतलब लिखना नहीं होगा जो कि आपका टाइम थोड़ा सा सेव होगा और आपका कमांड ठीक है कि नहीं है कमांड सही है कि नहीं वो भी आपको पता चलेगा क्योंकि जैसे देखिए मैंने ओ एस हैपे रिलीज करके टैब बटन दबा दिया ये आपका ऑटोमेटिकली फिल हो गया दैट मीन्स हियर यू आर एश्योर दैट दिस कमांड इज करेक्ट ओके चलिए देखते हैं आउटपुट में क्या दिख रहा है वर्सन सेवन पॉइंट सेवन ओके अल्टरनेटिवली वी कैन ऑल्सो यूज अनदर कमांड कैट स्लैश ई टी सी देखिए स्लैश ई करके मैंने टैब बटन यूज किया रेडहैट करके मैंने यूज किया रेडहैट हाइपन रिलीज यहाँ पे आपको दिख रहा है रेडहैट एंटरप्राइज लिनक्स सर्वर 7.7 ओके यहाँ पे वह में दिख रहा था वेरिएंट है सर्वर आईडी है आरएल वर्जन है 7.7 ये तीनों कमांड को यूज करके यहाँ पे देखिए आपका रेड हार्ट एंटरप्राइज लिनक्स अवर 7.7 पॉइंट सेवन ये है आपका दो कमांड सर्वर का भर्सन चेक करने के लिए ओके नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट नंबर थ्री पे पॉइंट नंबर थ्री पे हमारा क्या है सेटिंग ऑफ होस्ट नेम ओके जैसे हम विंडोज में कंप्यूटर नेम सेट करते हैं ऐसे हमें लिनक्स में होस्ट नेम भी सेट करना होगा उसको हम कैसे करेंगे उसका जो फाइल है हमेशा याद रखिए लिनक्स में जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है वो सब फाइल में स्टोर होता है सो दैट so कुछ कुछ फाइल हमें याद रखना होगा कौन सा कौन सा फाइल में कौन सा कौन सा सेटिंग होता है ये धीरे धीरे आपका याद हो जाएगा चिंता की कोई बात नहीं ये जब काम करना आप शुरू करेंगे जब काम करेंगे ये सारे के सारे कमा रखा याद में रह जाएगा ओके चलिए देखते हैं कैसे हम होस्ट नेम सेटिंग करेंगे लिनक्स में वी आई स्लास ई टी सी एस टी देखिए मुझे अभी याद नहीं है होस्ट के बाद क्या लिखना होगा तो मैंने दोबारा टैब बटन यूज किया तो मुझे ये ई के अंदर होस्ट के नाम पे जो जो फाइल है ये शो हो गया तो मैंने इसको पिक किया ओके नहीं तो मैंने यहाँ पे भी लिख सकता हूँ होस्ट एन करके दे दिया तो होस्ट नेम चलाया ओके देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है लोकल होस्ट ऑफ लोकल डोमेन ये फाइल पे हमारा जो नाम लिखा हुआ है वो एक्चुअली कंप्यूटर का नेम है कि नहीं हम चेक करेंगे कैसे कमांड है होस्ट एच ओ एस टी एन एम ई देखिए आपका होस्ट नेम जो है ये डिस्प्ले हो गया सो दैट ये जो होस्ट नेम फाइल है, के अंदर होस्ट नेम की फाइल पे हम जो ना, नाम एंट्री करेंगे वो नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा ओके दैट मीन्स हमें क्या करना होगा होस्ट नेम पे कोई नहीं कोई भी नाम लेके हम यूज कर सकते हैं कोई भी नाम देखिए मैं यहाँ को यहां मैं दे दिया लोकल सर्वर मैंने इसको सेव कर दिया ओके, फिर से दोबारा चेक करते हैं मैंने यहां पे दे दिया लोकल सर्वर क्यू नोट नेम टाइप किया, ये रिफ्लेक्ट नहीं हुआ क्योंकि सेटिंग करने के बाद सर्वर को एक बार रिबूट करना पड़ेगा मैं अभी रिबूट नहीं करूंगा ओके फिर भी चलिए मैं आपको रिबूट करके दिखा देता हूं आई नाइनटी सिक्स हेलो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे अभी मैंने दोबारा सर्वर को रिबूट किया था दोबारा फिर से लॉग किया सो so दैट अभी हमारा जो नेम है लोकल सर्वर अभी शो हो रहा है जो कि पहले हमारा लोकल होस्ट था ओके फिर से चले देखते हैं होस्ट नेम लोकल सर्वर मैंने जो नाम सेट किया था ये नाम अभी इम्प्लीमेंट हो गया ओके मैंने इसलिए मना करा था क्योंकि रिबूट करने के बाद थोड़ा सा टाइम आ, लगता है रिबूट होने के सर्वर फिर से आने के लिए ऑफ होने के लिए फिर भी मैंने आपको दिखा दिया क्योंकि आपके साथ ये दोनों कमांड टेस्ट होगा आर हो गया जो रिबूट के लिए होता है और होस्ट तो नेम सेटिंग के लिए दोनों कमांड डिस्प्ले हो गया सो दैट मैंने इसके आपको दिखा दिया ओके और ये जो क्याट कमांड है कैट कमांड है ये कमांड के बारे में मैंने ऑलरेडी लिनक्स का जो बेसिक कमांड वीडियो है वहीं पर ऑलरेडी आपको दिखा हुआ है सो दैट मैं आपको दोबारा नहीं ये बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसे बोलूंगा तो वीडियो का लेंथ ज्यादा हो जाएगा ओके चलिए फोर्थ कमांड पे जाते हैं हेल्प हेल्प यानी हेल्प एंड मैन कमांड दैट मीन्स क्या होता है कि कोई कमांड हमारा समझ में नहीं आ रहा है कौन सा पैरामीटर यूज करना है क्या करना है सो दैट हम हेल्प कमांड के साथ इसको देख सकते हैं ओके लेट्स टेस्ट करते हैं मैन कैट दैट मीन्स हमने अभी कैट कमांड यूज कर रहे हैं भी कमांड भी आई कमांड यूज कर रहा है तो इसके साथ तो कौन का कौन कौन पैरामीटर यूज करेंगे क्या करेंगे इसको हम मैन के थ्रू देख पाएंगे अगर हम मैन कमांड यूज करेंगे तो ये कमांड का हेल्प फैले ये चलाएगा मतलब कैट माइनस ए कैट स्पेस माइनस ए यूज करेंगे तो उसका क्या होगा कैट माइनस बी में क्या होगा ई e में क्या होगा ये e जो पैरामीटर्स है उसके साथ डिस्क्रिप्शन पूरा लिखा हुआ है आप इसको रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैट कमांड को हम कैसे यूज करेंगे ओके कैट ऑप्शन एंड फाइल नेम ये ऑप्शन के पास हम इसको रिप्लेस करेंगे माइनस ए माइनस बी माइनस ई ऐसे करके हम रिप्लेस करके यूज करेंगे ऐसे ही हमारा हम देखेंगे कैट माइनस एच सॉरी कैट माइनस माइनस हेल्प देखिए यह आ गया आपका कैट का जो हेल्प फाइल है ओके सेम है ये थोड़ा सा शॉर्ट है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है मैन में आपका पूरा डिस्क्रिप्टिव आता है सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैट का जो कमांड है यहाँ पे हम देख सकते हैं ओके देखिए अभी आपको कैसे पता चलेगा मैं यहाँ पे आपको लाइव एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं यहाँ पे कैट माइनस एच कमांड यूज़ कर रहा था कैट में सॉरी ये वाला नहीं कैट माइनस एच कमांड यूज कर रहा था मतलब मैं कैट कमांड के साथ माइनस एच का जो पैरामीटर यूज कर रहा था, था देखिए यहाँ पे माइनस एच पारामीटर अवेलेबल नहीं है माइनस -e, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ई ऐसे करके है लेकिन माइनस एच नहीं है ऐसे ही आपको पता चलेगा अगर कोई कमांड काम नहीं कर रहा है तो आपको तुरंत जाके कैट माइनस माइनस हेल्प करके आप देख सकते हैं वो पैरामीटर अवेलेबल है कि नहीं देखिए कैट माइनस माइनस अवेलेबल है लेकिन कैन माइनस एच अवेलेबल नहीं है सो दैट ये कमांड आपका काम नहीं करेगा आपको ये दिखाने के लिए मैंने रखा था ओके चलिए चलते हैं नेक्स्ट कमांड फिफ्थ कमांड पे हमारा है कॉन्फ़िगरिंग आईपी एड्रेसेस कैसे हम Linux में आईपी करेंगे ये एन एम टी यू आई एन एम टी यू आई दिस इज ए ग्राफिकल टूल कमांड यहाँ पे जाके यूज करेंगे तो एडिट कनेक्शन में जाके हम यहाँ पे दे सकते हैं आई एड्रेस वगैरह कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एडिट पे जाइए यहाँ पे देखिए जो आई एड्रेस है आई एड्रेस गेट टू ए डी एन ए सब कुछ यहाँ पे हम फिल कर सकते हैं लेकिन ये जो ऑटोमेटिक ऑटोमेटिकली कनेक्ट इसको हमेशा सिलेक्ट कीजिए सो दैट आपका भी जब रिबूट होगा सबर जब रिबूट होगा आपका इथर्नेट ऑटोमेटिकली फिर से कनेक्ट हो जाएगा सो दैट आपको बार बार रिस्टार्ट नहीं होगा रिस्टार्ट करना नहीं पड़ेगा इसको हमेशा याद रखिएगा आई एड्रेस देने के साथ सा, साथ डी वगैरह सब कुछ देने के साथ साथ ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट ऑप्शन को हमेशा टिक करना है चेक करना है ओके चले चलते हैं सिक्स सिक्स पॉइंट पे ये हो गया हमारा कनेक्टिविटी टेस्टिंग कमांड्स कनेक्टिविटी टेस्टिंग कमांड में हमारा आता है पिंग पिंग कमांड तो हमें ऑलरेडी पता है क्योंकि ये कमांड दोनों विंडोज़ और लिनोस में सेम है जिसे पिंग कमांड चला जाए लेकिन विंडोज और लिनोस में ये डिफरेंस है लिनस में आपका पिंग कंटिन्यूसली चलता रहेगा जब तक हम स्टॉप ना करेंगे लेकिन विंडोज़ में थ्री टाइम आके ऑटोमेटिकली बंद होता था बंद होता था ये आपका डिफरेंस है ओके चलिए देखते हैं दूसरा टेलनेट कमांड टेलनेट कमांड कोई सर्वर में कोई पोर्ट ओपन है कि नहीं है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम टेलनेट कमांड यूज करते हैं ये विंडोज में लिनक्स में बहुत सेम है टेलनेट आईपी एड्रेस देन पोर्ट नंबर ओके चलिए टेस्ट करते हैं ये है हमारा लोकल सिस्टम का आईपी एड्रेसेस चलिए टेस्ट करते हैं ओके okay. यहाँ पे देखिए एरर एरर हो रहा है एरर आ रहा है टैलेंट कमांड नॉट फाउंड मैं इसके बारे में आपको फिर से दिखाऊंगा पैकेज इंस्टॉल करके एक rpm पैकेज इंस्टॉल करेंगे उसके बाद ये कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे अभी फिलहाल छोड़ते हैं ये जाते हैं nc कमांड के बारे में nc कमांड आपका क्या होगा udp होगा udp आपका टैलेंट में टैलेंट और nc कमांड में डिफरेंस है कि आप एनसी कमांड यूज करके यूडीपी पोर्ट को टेलनेट यूडीपी पोर्ट को टेस्ट कर सकते हैं जैसे टेलनेट में आपका टी सी पी हो गया एन सी पी आपका यूडीपी पोर्ट हो गया चलिए देखते हैं वन थ्री फाइव देखिए ये आपका हो गया कनेक्टेड एन कनेक्शन रिफ्यूज लेकिन यहाँ पे एन कैट में कनेक्टेड आएगा यूडीपी पोर्ट टेस्टिंग करने के लिए ये आपका माइनस यू हो गया यूडीपी पोर्ट के लिए ओके चलते हैं नेक्स्ट कमांड के लिए ओके okay. हमारा सेवन पॉइंट में है चेकिंग मेमोरी स्टेटस जैसे हम विंडोज में कितना मेमोरी यूज हो रहा है टैक्स मैनेजर में जाके चेक करते हैं यहाँ पे भी हम मेमोरी यूटिलाइजेशन चेक करेंगे मेमोरी यूटिलाइजेशन चेक करने के लिए कमांड है फ्री माइनस एम एम यानी मेगाबाइट ओके यहाँ पे आप देखिए मैंने ये सर्वर पे फाइव हंड्रेड फाइव ट्वेल्व जी बी का एम बी का मेमोरी दिया हुआ एसन क्या हुआ है यहाँ पे दिख रहा है अभी आपको ईश से थ्री हंड्रेड एम बी और फ्री है बहुत कम ओके okay? हम इसको अगर जीबी में देखना चाहेंगे तो माइनस जी यूज करेंगे देखिए ये जीबी में ऐसा नहीं हुआ था सो तो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने टोटल फाइव ट्वेल्व एम का मेमोरी दिया हुआ है एक आ, बहुत कम रिसोर्स वाला भी है मैं सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कमांड डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए सो यहाँ पर बहुत कम रिसोर्स दिया हुआ है आपका फ्री माइनस एम है जो मेमोरी यूटिलाइजेशन का मेमोरी जो चेक करने के लिए माइनस एम मीन मेगा बाइट में ओके, okay, चलते हैं next command. Checking processor starters. Processor starters के लिए हम cat ये आपको देखेगा सर्वर पे जो प्रोसेसर असाइन हुआ है जो प्रोसेसर दिया हुआ है उसका पूरा डिटेल्स आपको दिख जाएगा कौन सा प्रोसेसर कितना है प्रोसेसर का डिटेल्स देखने के लिए हम यूज करेंगे कैट स्लास प्रो स्लासपी इन्फो नहीं तो हम यूज करेंगे दूसरा कमांड एल एस सी पी यू ओके एल एस में आपको सेम दिखेगा चलते हैं नेक्स्ट कमांड नेक्स्ट पॉइंट चेकिंग डिस्क यूजेस यूसेस डिक के लिए हम यूज़ करेंगे डी एफ माइनस एच डी एफ माइनस एच में ये आपको पूरा पार्टीशन दिख जाएगा कौन सा पार्टीशन में कितना स्पेस दिया हुआ है कितना यूटिलाइजेशन हुआ है और पार्टीशन का डिटेल्स ओके फाइल सिस्टम साइज यूज एंड अवेलेबल परसेंटेज माउंटेड एंड कौन सा फाइल में कितना कितना स्पेस है मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ जो स्लास्ट रूट है स्लास्ट रूट में आपका थर्टीन जी का डिस्क दिया हुआ है इनमें से यूसेस आपका होगा थ्री पॉइंट एट जी बी है एट पॉइंट एट जी ओके okay, परसेंटेज हो गया थर्टी वन परसेंट ओके दूसरा हो गया पर, हमारा दूसरा कमांड जो है एफडिस्क माइनस एल एफ डी आई एस के माइनस एल माइनस एल में आपको हार्ड डिस्क का डिटेल्स दिख जाएगा यहाँ पे आपका जो पार्टीशन है पार्टीशन का डिटेल्स दिख रहा था डी एफ माइनस एच में एफडिक्स माइनस एल में आपका जो डिस्क है पूरा दिखेगा अभी ये आपका देखिए डिस्क स्लैश डी बी स्लैश डी ए सिक्सटीन पॉइंट वन जी बी का एक डिस्क ये पे नहीं हुआ है इसमें दो पार्टीशन हुआ है एच डी एंड एच डी ए टू एच डी ए वन एंड एच डी ए टू ये दोनों पार्टीशन यूज किया हुआ है आपका यहाँ पे पूरा डिटेल्स शो हो रहा है कमांड हो गया आपका एफडिक्स माइनस एल ओके चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के लिए चेकिंग सर्वर स्टेटस। सर्वर का स्टेटस देख सॉरी चेकिंग सर्विस स्टेटस जैसे हमारा विंडोज में हम सर्विसेज पे जाके सर्वर सर्विस service, जो सर्विसेज रन हो रहा है उसका स्टेटस देखते हैं उसको रिस्टार्ट करते हैं ऐसे विंडोज में हम सर्विस रिस्टार्ट करने के लिए कमांड हो गया सर्विस एस 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 डी ओके दैट मीन्स ये एस 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 डी सर्विस जो रन हो रहा है दैट मीन्स ये जो मैंने पुटी अभी कनेक्शन लिया हुआ है सर्वर को ये मैंने थ्रू एस 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 डी ही यूज कर रहा हूँ एस 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 पोर्ट में कनेक्ट किया हुआ है सो so, देखते हैं एस 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 सर्विस का सर्विस एसएसएसडी स्टेटस ओके ये देखिए आपका दिख रहा है एक्टिव एंड रनिंग इसका दूसरा कमांड है सिस्टम सी टी एल एस एस टी एम सी टी सिस्टम सी टी एल एस टी ए टी यू ए स्टाटस एस 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 डी आपको आउटपुट सेम ही आएगा ये दोनों कमांड सेम है आपको आप हिसाब से याद रखिए सर्विस एस 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 डी स्टाटस सर्विस एस 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 डी सिस्टम सी टी एल स्टाटस एस 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 डी ओके अगर हमें स्टॉप करना है स्टार्ट करना है सर्विस को तो हम यहाँ पे यूज करेंगे एस 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 डी सर्विस एस टी ए आर टी स्टार्ट नहीं तो एस टी ओ पी स्टॉप ओके इसके बारे में मैं दूसरा वीडियो बनाऊँगा जो वीडियो में पूरा इसके डिटेल्स में दे दूँगा आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा वो वाला वीडियो चलते हैं नेक्स्ट कमांड इंस्टॉलिंग पैकेजेस कैसे हम रेड में Linus में पैकेज इंस्टॉल करें। जब मैंने आपको टेलनेट का कमांड दिखा रहा था टेलनेट, आईपी एड्रेस ट्वेंटी टू ये आपका दिख रहा था टेलनेट कमांड नॉट फाउंड ओके दैट मीन्स टेलनेट पैकेज जो है वो इंस्टॉल नहीं है मैं अभी आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा पैकेज कैसे इंस्टॉल करते हैं मैंने ऑलरेडी मेरा जो पुराना वीडियो है वहाँ पे ऑलरेडी आपको दिखा हुआ है हम रेड हार्ट में आर एक्सटेंशन जो फाइल होता है उसको यूज करते हैं आर पैकेजेस यूज करते हैं जैसे विंडोज में हमारा ई एक्स ई होता है जैसे हमारा लिनोस में आर होता है ओके चलिए देखते हैं यह है आपका देखिए ओ का जो इमेज है मैंने वहाँ पे आर एच का एक आई एस यूमी रखा था मैंने इसको एक्सट्रैक्ट किया हुआ है आर एच एल सेवन पॉइंट सेवन में आपका पैकेजेस के अंदर बहुत सारा जो लिनक्स का पैकेजेस है वो है यहाँ पे आपका देखिए टेलनेट देखिए टेलनेट का जो पैकेज है यहाँ पे अवेलेबल है मैं इसको सर्वर पे अपलोड करूंगा और इंस्टॉल करके आपको दिखाऊंगा ये हो गया आपका फाइल जिला टूल मैंने इसके बारे में लिनक्स का जो बेसिक है जो इंट्रोडक्शन है वहाँ पे आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ कैसे हम फाइल जिला के थ्रू लिना सर्वर को कनेक्ट करेंगे और पैकेज अपलोड करेंगे और डाउनलोड करेंगे ओके यहाँ पे मैं वही कर रहा हूँ फाइल जिला ट्रू के साथ मैंने सर्वर को लॉगिन इन कर दिया यहाँ पे आपका होस्ट नेम नेम यूजर पासवर्ड और पोर्ट पोर्ट ने ट्वेंटी टू देना होगा आपका जो आईपैड्रेस यहाँ पे देना होगा सॉरी जो आईपैड्रेस है यहाँ पे देना होगा आईपैड्रेस यहाँ पे देना होगा यूजर नेम पे आर ओ टी रूट पासवर्ड हो गया और पोर्ट ट्वेंटी टू कनेक्ट करेंगे ओके देखिए ये आपका सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया यहाँ पे मैं रूट पे चला गया यहाँ पे जाके पैकेजेस पे मैंने टेलेंट कमांड को सर्च किया टेलेंट जो पैकेज है मैंने अभी उसको सर्वर को अपलोड कर दिया ये देखिए आपका सक्सेसफुली ट्रांसफर हो गया अभी चलते हैं सर्वर पे सीडी स्लैश स्लैश को जाते हैं देखते हैं ओके यहां पे देखिए आपका टेलनेट जो पैकेज है ये ट्रांसफर होगा सर्वर पे अभी हम उसको इंस्टॉल करेंगे पैकेज इंस्टॉल करने के लिए आपका कमांड है rpm जो आपका देखिए एक्सटेंशन है RPM जो एक्सटेंशन है आर इसको इंस्टॉल करने के लिए याद रखने के लिए आपको थोड़ा सा इजी होगा पैकेज का जो एक्सटेंशन है वो है तो कमांड हमारा है आर पी एम माइनस आई आई मीन इंस्टॉल भी मीस भरबोस एच मींस हास टी एल टेलेंट करके मैं टेलेंट करके मैंने टैप टैप यूज कर दिया तो रखा पूरा आ गया आई मीन्स इंस्टॉल मीन्स ये आपको शो करेगा इसका जो स्टेप्स है इंस्टॉलेशन में जो जो स्टेप्स है पूरा शो करेगा एच मीन्स ये आपका हाथ में जो आपका इंस्टॉलेशन का प्रोग्रेस ये हाथ में आपको दिखाएगा ओके लेट्स करते हैं देखिए आपका जो इन्फॉर्मेशन है वार्निंग जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको शो हो रहा है क्योंकि हम कमांड यूज किए हैं इसके बाद आपका जो परसेंटेज है हंड्रेड परसेंट तक ये आपको हास में शो हो गया दैट मीन्स आई मीन्स इंस्टॉल भी मीन्स बॉर्बॉस एज मीन्स हास हाथ में ये आपको दिखा देंगे ओके okay? ऐसे ही आपका जो तो पैकेज रि रिमूव करने के लिए हम यूज करेंगे आरपी माइनस ई टेलेट ई कमांड मींस इरेज ओके okay? अपडेट करने के लिए हम भी यूज करेंगे अपडेटिंग ए पैकेज आरपीएम माइनस यू भी एच आई मीन्स इंस्टॉल यू मीन्स अनइंस्टॉल सॉरी अपडेट ओके नेक्स्ट चलते हैं थर्टीन पॉइंट पे क्रिएटिंग ए फाइल एंड एडिटिंग इट हाँ मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ पे मिस हो गया अभी टेलनेट कमांड यूज करेंगे देखिए ये आपका कनेक्टेड टू द सर्वर कनेक्ट हो गया ओके okay. चलते हैं लेस्ट कमांड क्रिएटिंग ए फाइल एंड एडिटेड यूजिंग टॉच कमांड यू कैन क्रिएट अ फाइल पहले देखते हैं हम कौन सा लोकेशन पे यहाँ पे कौन सा कौन सा फाइल है ओके okay, यहाँ पे मैं अभी टेस्ट करूंगा फाइल क्रिएट करूंगा टी ओ यू सी एच कमांड इज टॉच आई विल गिव द फाइल नेम आर ई डी एच आई टी रेड हट डॉट टी एक्स टी ओके देखते हैं अभी देखिए यहाँ पे फाइल क्रिएट हो गया रेडा डॉट टॉच टी एक्स टी सो टॉच कमांड यूज करके हम फाइल डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं ओके okay, उसको एडिट करने के लिए वी आई रेडा डॉट टी एक्स टी यहाँ पर मैंने आई बटन दबा दिया ये इंसर्ट प्रॉम्प्ट आ गया है इंसर्ट प्रम्प्ट आएगा आई बटन यूज कर सकते हैं नहीं तो इंसर्ट जो जो की है उसको भी हम यूज कर सकते हैं कीबोर्ड पे जो हमारा बटन है इंसर्ट बटन उसको यूज करेंगे मैं यहां पे लिखूंगा दिस इज ए आर ई डी एच ए टी सर्वर ओके मैं यूज करूंगा एस्केप जो बटन है एस्केप बटन के साथ यूज करूंगा राइट एंड क्विट डब्लू एंड क्विट ये राइट right हो गया ओके okay? चलिए देखते हैं फिर से क्यू मतलब क्विट शिफ्ट वन ओके हो गया दूसरा कमांड भी हम यूज कर सकते हैं सी ए टी कैट आई ए इसको हम यूज करके रीड कर सकते हैं उसको फाइल में क्या टेक्स्ट लिखा हुआ है ओके चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट कमांड के लिए नेक्स्ट पॉइंट फोर्टीन पॉइंट एसेसिंग कॉन्फिगेशन फाइल दैट मीन्स ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू इन लिनॉन्ग्स ऑल द कॉन्फ्यन फाइल्स आर कॉन्टेंसी फाइल्स सो वी हैव टू रिमेम्बर ऑल दो फाइल्स अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट सो लेट्स चेक द कॉन्फ्यशन फाइल ऑफ द एस 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 सर्विस ओके okay. ये आर क्लियर वी आई ssh ई टी सी एस 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 डी ओके यहाँ पे देखिए एस 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 डी का जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ये ओपन हो गया इसको हम हमारा अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट यू कैन एडिट इट एंड यू कैन सेव इट मैं यहाँ पे एडिट करके आपको नहीं दिखाऊंगा ये मैं बाद में इसके लिए दूसरा सेपरेट वीडियो बनाऊंगा एस 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 डी फाइल को कैसे हम कॉन्फिगर करेंगे कस्टमाइज करेंगे और दूसरा वीडियो पे होगा मैं ये वीडियो पे नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो का लेंथ जो है ये ज्यादा हो जाएगा ओके नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट पॉइंटिंग लॉग फाइल्स जैसे हमारा विंडोज में लॉग फाइल होता है जैसे भी हमारे लिनोस में भी लॉग फाइल होता है उसका लोकेशन है सी डी स्लैश भार स्लैश एल ओ जी लॉक यहाँ पे देखिए बहुत सारा लॉग फाइल है हमारा अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट यू कैन ऑल्सू चेक द लॉग फाइल्स हियर ओके ये हो गया हमारा फिफ्टीन पॉइंट्स 15 uh, points uh, when we are using the Linux operating system, these uh, points are very helpful for us in day-to-day uh, -day activities. In first point, shut on and restart the server, checking the OS version, second point, in third point setting up host name. In fourth point, help and man command. In fifth point, configuring IP address in the server. In sixth command, checking the connectivity using uh, tools. Seventh point checking memory status.

प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो यू कैन विजिट माई प्लेलिस्ट सो दैट यू कैन ऑल्सो फाइंड द अदर ट्यूटूरियल्स वट अदर वीडियोज है माई चैनल होप दिस वीडियो भी आपको अच्छा लग रहा होगा थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो थैंक यू